हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासरूम बाय विश्वेश जमुआर। फील द फिजिक्स विद ईज। आज का जो लेक्चर है वो एसोसिएटेड है कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर का बैकबोन एक तरह से ये कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। पिछले लेक्चर में, लेक्चर वन, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं और डायरेक्टली लेक्चर टू देख रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन होगा कि आप लेक्चर वन को देख लें, क्योंकि लेक्चर वन में मैंने एक्सप्लेन किया है कैपेसिटर, और कैपेसिटर के बारे में एक्सप्लेन करते हुए एक फार्मूला को कैलकुलेट किया हमने, क्यू बराबर सी वी, और वहां पर से कैपेसिटेंस के बारे में चर्चा हुआ। ठीक है, तो जो भी नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो जाकर के देख लेंगे तो थोड़ा और कंफर्ट होगा पूरी तरह से समझने में, और अगर क्लियर है क्यू बराबर सी वी के बारे में जान रहे हैं तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो कैपेसिटेंस एक वर्ड आया था पिछले लेक्चर में, तो अब उस कैपेसिटेंस के वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को, कैपेसिटेंस का वैल्यू। अब कैपेसिटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, पिछले लेक्चर में बताए थे क्यू बराबर सी वी, तो बताए थे सी क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो ये भी बात बताई थी कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कि दो कंडक्टर, क्योंकि कैपेसिटर दो कंडक्टर का क्या है, कॉम्बिनेशन है, तो वो दो कंडक्टर का सेम साइज क्या है, उन दो कंडक्टर्स के बीच का स्पेसिंग क्या है, ठीक है, फिर मीडियम क्या है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। तो शेप साइज वगैरह पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग शेप का कैपेसिटर होता है। दो कंडक्टर अगर पैरेलल रहा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो कंडक्टर स्फेरिकल रहा, अगर दो कंडक्टर ऐसे स्फेरिकल रहा, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू, क्योंकि बताए थे एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे निगेटिव देते हैं, इसी को कैपेसिटर बोलते हैं। तो स्फेरिकल रहा तो उसको हम कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल रहा, एक ये सिलेंडर हो गया और दूसरा एक और इसके ऊपर एक और कोएक्सियल एक और सिलेंडर अगर है, ठीक है, इस तरीके से अगर है, तो ये मेरे पास ये जो कैपेसिटर होगा, इस कैपेसिटर को हम कहेंगे एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू, ये कैसा कैपेसिटर हो जाएगा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो क्या सबका कैपेसिटेंस सेम आएगा, नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। वही तो कैलकुलेट करना है कि सी का वैल्यू सबका क्या होता है। 12th के सिलेबस में यही तीन कैपेसिटर पढ़ने का है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, वन बाय वन तीनों पे चर्चा होगी। ठीक है, तो अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्या के बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगले लेक्चर में चर्चा होगा स्फेरिकल, उसके अगले लेक्चर में चर्चा होगा सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में चर्चा होगी। कुछ बात ध्यान रखना जरूरी है अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक दो बात जो आपको पता होना चाहिए। पहला चैप्टर पढ़ने का है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है, तो वहां पर से एक दो बात ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अभी जस्ट यूज आएगा, तो मैं चाह रहा था कि एक बार फिर से उसको रिकॉल करा देता हूं, ठीक है, ताकि प्रूफ समझने में कहीं पर थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आए। क्लियर ना, इस चीज को देख लें क्या काम आएगा। काम यह आएगा, सबसे पहले तो एक बात कि अगर मेरे पास कोई प्लेट है, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है, एक पतला प्लेट है, एक पतला प्लेट है, उस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है, तो प्लस के कारण कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण कहीं पर भी क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर भी देखेंगे तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, अंदर की ओर नहीं, प्लस के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की ओर, आउटवर्ड। ठीक है, यहां पर भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, गॉस लॉ में ये कैलकुलेट किए थे, अगर किन्हीं को नहीं पता है तो वो जान जाइए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर मेरे पास एक प्लेट है, पतला प्लेट है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है सिग्मा बाई टू एप्स नॉट, क्या होता है, सिग्मा बाई टू एप्स नॉट। सिग्मा क्या है, सिग्मा कहते हैं किसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है चार्ज बाई एरिया। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब ये हो गया लैम्डा, हो गया यानी चार्ज बाई लेंथ। ठीक है, जहां पे चार्ज पूरे वॉल्यूम में होता है तो वहां पर बात होता है क्या का, रो का, वहां पे बात होता है, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। का मतलब क्या होता है, चार्ज बाई वॉल्यूम। तो यहां पर क्या का बात होगा, अगर चार्ज, अगर मैं ये कहता हूं कि चार्ज एक क्या में, रड में, चार्ज एक रड में, पूरा चार्ज है इसमें, प्लस है,
या फिर अगर माइनस है तो इसमें सिग्मा का बात होगा, रो का बात होगा या फिर लैम्डा का बात होगा, क्या का बात होगा? लैम्डा का बात होगा ना। चार्ज क्या में डिस्ट्रीब्यूटेड है? रड है ना, तो रड है तो चार्ज क्या में डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ में। तो चार्ज जब लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का बात होगा, चार्ज बाई लेंथ। लेकिन यहां पे ये रड नहीं है, 2D फिगर है, रड नहीं है, देखने में लग रहा है ये रड है, रड का बात नहीं कर रहे हम यहां पर। पहले ही कह दिए कि ये क्या है, प्लेट है। तो प्लेट में क्या होता है, लेंथ होता है? नहीं, प्लेट में तो दोनों चीज होता है ना। प्लेट में क्या होता है, एक प्लेट लेते हैं तो उसमें लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा, तो उसमें क्या वॉल्यूम है या एरिया है? एरिया है। तो बात क्या का होगा, सिग्मा, सिग्मा यानी चार्ज बाय एरिया। अब इसमें चार्ज क्यू है, अब इसका एरिया अगर पूरे का प्लेट एरिया अगर ए है तो चार्ज बाय एरिया यानी क्यू बाय ए। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा हो गया क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, तो पहले से ए, तो सिग्मा की जगह पे हो गया क्यू बाय ए। और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी क्या होगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, आर से कोई मतलब, दूरी से कोई मतलब है कहीं पर भी फॉर्मूला में आर है? नहीं। यानी यूनिफॉर्म फील्ड होता है, किसी प्लेट के कारण कैसा फील्ड होता है, यूनिफॉर्म। कहीं पर भी देख रहे हैं तो वो क्या होगा, बसरते ये प्लेट क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, और उसके कंपैरिजन में वो दूरी क्या होना चाहिए, कम। अब ऐसे में एक प्लेट यहां पे ले लेंगे और जाकर के 100 किलोमीटर आगे देखेंगे तब कहां से फील्ड आएगा। प्लेट लार्ज होना चाहिए और दूरी जो होना चाहिए उस कंपैरिजन में कम। तो कहीं पर भी, यहां पर भी देखेंगे तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, यहां पर भी देखेंगे सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, यूनिफॉर्म फील्ड। यहां पर भी देखेंगे सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, याद रहेगा ये बात, ठीक है। बस सिग्मा पे डिपेंड करता है। और प्लस के कारण क्या होता है, आउटवर्ड। वही अगर माइनस रहता तो, वही अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा, माइनस अगर रहेगा, माइनस रहेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, इनवर्ड। सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन ही होगा अगर इसका भी वही माइनस क्यू है, ठीक है, और वही सिग्मा है अगर, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, लेकिन वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, वो चीज क्या होगा, इनवर्ड। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये बात समझ गए कि किसी भी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर यूज करना रहा तो क्या यूज करेंगे, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। क्लियर है ये बात। एक और चीज को याद रखना, एक और चीज को याद रखेंगे, वो क्या, एक चीज तो याद रखेंगे, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात होगा तो पैरेलल प्लेट रहेगा, एक प्लेट पे प्लस है एक प्लेट पे माइनस है, तो अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो प्लस के कारण आउटवर्ड और कितना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, और वहीं पे माइनस भी है तो माइनस के कारण इनवर्ड, और माइनस के कारण भी अगर इसमें भी वही सिग्मा है तो क्या होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, तो दोनों क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। तो ये अभी जस्ट यूज होगा, प्रूफ करेंगे, हेडिंग लगाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो वहां पर यूज होगा, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। किसी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, प्लस के कारण आउटवर्ड, माइनस के कारण इनवर्ड। दूसरी बात, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जैसे मेरे पास अगर एक प्लेट इधर है, एक प्लेट यहां पे, एक पे प्लस है और एक पे क्या है, माइनस है, ठीक है। कैपेसिटर में भी ये यूज होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, वो तो होना ही है, यहां पे चेक कर लीजिए, ठीक है। प्लस के कारण आउटवर्ड, आउटवर्ड, और माइनस के कारण वो अंदर उसी के तरफ, इनवर्ड। तो ये फील्ड किधर से किधर आया, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। और सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन दोनों ऐड हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। हर जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा। मतलब याद रखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, सेपरेशन अगर क्या है दोनों के बीच का, ये सेपरेशन क्या है, ये सेपरेशन डी है, ठीक है, ये सेपरेशन डी है। इस प्लेट को हम ए लिख दिए, इस प्लेट को बी लिख दिए। अब अगर हमें दोनों प्लेट्स के बीच क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यूज होगा अभी, जस्ट ये यूज होगा कैलकुलेशन करने में। पहले से ये वीडियो में इन चीजों को देख लेते हैं, कॉपी पे नोट भी कर लेंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो एक फॉर्मूला पढ़े है ना, डीवी बराबर माइनस में ई डॉट डीआर, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वहां पर ये फॉर्मूला पढ़े हैं, डीवी बराबर माइनस ई डॉट डीआर। इवन ग्रेविटेशन में भी ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, डीवी बराबर माइनस ई डॉट डीआर। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड होता था ये, और ये होता था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैट में अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो दो दो जगह इस चीज को पढ़े, ठीक है, ग्रेविटेशन में भी पढ़े। फॉर्मूला एक होता है डीवी बराबर माइनस में ई डॉट डीआर, ठीक है। अब यहां पर से हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दोनों प्लेट्स के बीच, तो दोनों को हम क्या करेंगे, मतलब इधर दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट। और पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां,
ठीक है, बी और ए के बीच देखना है। तो लोअर पोटेंशियल किसका है, बी का, और हाइयर पोटेंशियल कौन सा है, हाइयर पोटेंशियल कौन सा है, ए। तो बी से ए, ठीक है, हाइयर पोटेंशियल ए हो गया। तब ना अपर वैल्यू, अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट क्या, बी। यहां पर भी बी से ए लग गया लिमिट, ठीक है। अब क्या होगा, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, बी, देखते जाएंगे। बी से ए, यहां पर माइनस आगे हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, यहां पर ये चीज क्या है भाई, बी से ए। अब ये चीज गौर करेंगे, पहले अपर लिमिट, तो बी ए माइनस फिर लोअर लिमिट, पोटेंशियल किसका, बी का। पहले पोटेंशियल किसका, अपर लिमिट ए का, पहले पोटेंशियल किसका, ए, अपर लिमिट, तब ना हाइयर पोटेंशियल माइनस, अब फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर माइनस में फिर लोअर लिमिट, वी बी। तो हो गया ये अपने आप हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल क्या है, निगेटिव है। तो यही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को तो देख रहे थे, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हो गया, माइनस इंटीग्रेशन, पहला का मैग्नीट्यूड, दूसरा का मैग्नीट्यूड, और कॉस में कितना होगा देख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ए से किधर की ओर है, बी की ओर, और जबकि लिमिट डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां है, बी से ए, देख रहे हैं लिमिट बी से ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट जो लिया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का जो लिमिट है, डिस्प्लेसमेंट डी आर जो है यहां पर, उसका लिमिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, बी से ए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बी से है, डिस्प्लेसमेंट बी से ए यहां पर लिमिट दिख रहा है। तो ऐसे में यहां पर जो डी आर है, ठीक है, वो बी से ए की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की ओर है, दो वेक्टर जस्ट ऑपोजिट होता है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 180, यही दोनों के बीच में एंगल चाहिए था, और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर, ठीक है, जैसा लिमिट लिया गया है उस हिसाब से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, 180। तो अब देखिए क्या हो गया, क्यों 180 हुआ, क्योंकि दोनों जस्ट ऑपोजिट, ये ए से बी, और ये डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिमिट है बी से, तो बी से ए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितना, 180। क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस को भी लिख देते हैं, बी बराबर माइनस, यूनिफॉर्म है, कब का बात हो रहा है, ये तब का बात हो रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के कहां निकलेगा, बाहर, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर दिया कॉस 180 का वैल्यू क्या, माइनस वन, अब माइनस वन को बाहर कर देंगे तो वन से गुना होगा डी आर इंटू वन, तो डी आर ही हो जाएगा, माइनस को बाहर कर देंगे तो माइनस पहले से था, एक माइनस पहले से था, कॉस 180 माइनस वन है ना, एक माइनस पहले से था यहां पर, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस मिला करके क्या हो गया, प्लस, तो माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया, तो भी बराबर क्या हो गया, ई, और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बी से ए, अब बताइए बी से ए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, बी से ए टोटल डिस्प्लेसमेंट डी है ना, तो यहां पर क्या लिखा गया, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट करना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करना है बी से, तो बी से ए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी है, तो यहां पर डी लिखा गया। तो फॉर्मूला एक आ गया, और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं करना है, फॉर्मूला होता है भी बराबर इन टू डी, फॉर्मूला एक होता है भी बराबर इन टू डी, जो अभी जस्ट प्रूफ करेंगे तो वहां पर ये यूज होगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन देखते हैं, अब हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस का, तो कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, पिछले लेक्चर में ये बात बताए थे कि कैपेसिटेंस जो होता है क्यू बराबर सीवी, जो फॉर्मूला आया था पिछले पहला लेक्चर, जो भी पहला लेक्चर नहीं देखे फर्स्ट लेक्चर को देख लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्ट सेकंड लेक्चर नहीं देखेंगे, पहले पहला लेक्चर को देख लें, ठीक है। वहां पर बताए थे क्यू बराबर सीवी, और ये बताए थे कि सी का जो वैल्यू है किसी भी कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का वैल्यू जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ द कंडक्टर, मतलब दो प्लेट, क्योंकि कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंडक्टर होता है, तो दोनों कंडक्टर पैरेलल रखा हुआ है, स्फेरिकल है, सिलिंड्रिकल है, उस पर भी डिपेंड करता है सी का वैल्यू, और डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन देम, दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम क्या, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मेरे पास अलग अलग तरह का कैपेसिटर होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू तो ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करता है ना, तो ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करता है, तो स्फेरिकल लेंगे अगर कंडक्टर तो कैपेसिटेंस कुछ और होगा, सिलिंड्रिकल लेंगे तो कैपेसिटेंस कुछ और होगा, दो कंडक्टर पैरेलल लेंगे तो कैपेसिटेंस कुछ और होगा। इसीलिए वन बाई वन ट्वेल्थ क्लास में तीन तरह का कैपेसिटर जानना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भरा हुआ रहता है इससे, स्फेरिकल कैपेसिटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो एक एक करके सब देखें, कोई दिक्कत नहीं है। इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, उसके अगले लेक्चर में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर,
तो हमारे साथ बने हुए रहे, कंप्लीट कैपेसिटर सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कैपेसिटेंस का, तो एक एक करके तीन चीजों को लेकर के चलेंगे। पैरेलल प्लेट पहले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हेडिंग क्या दिए हुए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब कैपेसिटर में होता क्या है, दो कंडक्टर होता है। अब दोनों कंडक्टर कैसे रहना चाहिए, पैरेलल, तभी ना उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। तो दोनों पैरेलल मेरे पास देख लीजिए, ये जो फिगर है इसमें ये पहला प्लेट, थ्री डायमेंशनल फिगर, ये ऊपर है ये प्लेट और ये प्लेट नीचे, ये प्लेट ऊपर और ये प्लेट कहां है, नीचे, और दोनों कैसे है एग्जैक्टली पैरेलल, इसी चीज को यहां पर दिखाएं, ये पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट, और दोनों प्लेट बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। तो जब दो कंडक्टर एक जगह पे है विथ ए स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन जो है वो क्या है, दोनों के बीच स्मॉल है, तो जब दो कंडक्टर एक जगह पे है और उसमें भी हम चार्ज अगर उसको देते हैं, तो यहां पे फॉर्मेशन हो गया क्या का, कैपेसिटर का। और जब दोनों प्लेट पैरेलल है तो इस कैपेसिटर को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है, इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से कनेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि पहले लेक्चर में ये बात बताए थे, कैपेसिटर का जो दो प्लेट होता है, एक प्लेट में पॉजिटिव और दूसरे प्लेट में निगेटिव, कौन देगा इसको चार्ज, चार्ज कहां से आएगा, बैटरी, बैटरी इसको चार्ज करेगा, किसको, कैपेसिटर को। तो इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ और दूसरा जो प्लेट है, देखिए ऊपर वाला प्लेट क्या से कनेक्ट किया, पॉजिटिव से, और नीचे वाला जो प्लेट है, नीचे वाला जो प्लेट है वो क्या से कनेक्ट हुआ है, निगेटिव से। ये निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस प्लेट को कैसा चार्ज दे देगा, पॉजिटिव चार्ज दे देगा, प्लस क्यू, और जो निगेटिव टर्मिनल है वो नीचे वाला प्लेट, नीचे वाला प्लेट कैसे कनेक्ट हुआ है, निगेटिव टर्मिनल से, तो निगेटिव टर्मिनल इसको कैसा चार्ज दे दिया, निगेटिव चार्ज। तो एक पे प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू, यही तो होता है कैपेसिटर में, ये दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन प्लेट्स, दो लार्ज प्लेन प्लेट्स है, प्लेट जो है वो लार्ज है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों प्लेट जो है एग्जैक्टली क्या है, पैडल है, विथ अ स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होता है, स्मॉल होता है, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल होता है, और ये सेपरेशन क्या है, डी है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन क्या है, डी है, ठीक है। एक और हम गाइड कर देते हैं, यहां पर आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, और स्क्रीन को पॉज करके ना सारे कॉन्सेप्ट्स को लिख ले सकते हैं, क्योंकि अभी आगे वर्क करेंगे तो कुछ हम मिटाएंगे, तो वहां पर पहले से लिखा हुआ रहेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल कॉपी होना चाहिए, ताकि बाद में जब न्यूमेरिकल बनाए तो उस न्यूमेरिकल में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आए। अगर फंस रहे हैं थ्योरी में तो कॉपी में जो लेक्चर्स जो हम पढ़ा रहे हैं उसका थ्योरी अगर लिखा हुआ रहेगा तो काफी हेल्प मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिए होंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक प्लेट पे पॉजिटिव, दूसरे प्लेट पे निगेटिव, सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, डी है। लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट, अच्छा तुम्हारा एरिया क्या है, ऊपर वाला प्लेट, तुम्हारा एरिया ए और नीचे वाला भी प्लेट, तो दो पैरेलल प्लेट है ना, ऊपर वाले का जो एरिया है वही एरिया नीचे वाले का, एरिया क्या है प्लेट का, ए, ठीक है, इस प्लेट का एरिया जो है, इस प्लेट का एरिया क्या है, ए है। लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो क्या है, डी है, ठीक है। द प्लेट्स हैव चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एक प्लेट पे प्लस क्यू, दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू, तो ये तो हो गया। अब इसी चीज को नीचे दिखा दिए, यहां पर ये फिगर ऊपर बनाए हुए थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब इसके एक प्लेट को हम यहां पर दिखा दिए, ये कैसा प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, और दूसरा प्लेट कैसा प्लेट, निगेटिव प्लेट। ये फिगर, इसी फिगर को हम दोबारा री स्केच किए, दोबारा से बनाए हैं, ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव प्लेट, नीचे वाला प्लेट निगेटिव प्लेट, ठीक है, हो गया दो प्लेट कैपेसिटर का, ये दो प्लेट है, एक को कैसा चार्ज मिला हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव, इसको कैसा चार्ज दिया था, प्लस क्यू, तो इस पर प्लस है, और नीचे वाले प्लेट को कैसा चार्ज मिला हुआ है, निगेटिव, तो इस पर क्या है, माइनस है। देखो लिख भी दिए, एक पे प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या है, डी, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, डी, एरिया क्या है, ए, ठीक है। अब जैसा कि अभी इस वीडियो के स्टार्ट में भी ये बात बताई कि किसी भी प्लेट के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्पेस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक किसी एक प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। जैसा कि अभी इस वीडियो के स्टार्ट में भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किए थे, तो ये आउटसाइड रीजन में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो प्लेट के कारण आएगा, ठीक है। ऊपर वाले फिगर का तो चर्चा कर दिए, उसी फिगर को यहां पर एक पे प्लस दिखा दिए, एक पे माइनस दिखा दिए, ठीक है,
बैटरी चार्ज किया तो इसको दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, डी दिखा दिए, और प्लेट का एरिया क्या है, ए, प्लेट एरिया ए भी दिखा दिए यहां पर, इसको मिटा देते हैं। अब यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो है इस प्लेट के कारण, पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, पॉजिटिव के कारण इनवर्ड होता है, नहीं, पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से। और कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक प्लेट के कारण, इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। हालांकि सिग्मा बराबर पता है ना, सिग्मा किसको कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा एक्चुअली होता क्या है, चार्ज बाई लेंथ। लेंथ होगा क्या, लेंथ नहीं होगा, लेंथ होता तब तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाता, क्या चार्ज किसी लेंथ में या पूरे एरिया में, प्लेट है ना, तो प्लेट का क्या क्या होगा, एरिया होगा। यहां पे लेंथ नहीं सोचेंगे, ये 2D फिगर है, थ्री डायमेंशनली सोचेंगे तो प्लेट है तो उसका क्या होगा, एरिया होगा। तो बात होगा चार्ज बाई एरिया। अब चार्ज भी है, इस पर चार्ज कितना है क्यू, और एरिया कितना है ए, तो क्यू बाई ए। सिग्मा एक्चुअली क्या होता है, सिग्मा जो है सिग्मा क्या होगा, सिग्मा क्या होगा, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। क्यू बाई ए को ही हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो ये हो गया प्लस सिग्मा, अच्छा इसका तो उतना ही सिग्मा है ना, लेकिन ये क्या होगा, माइनस सिग्मा होगा, ठीक है। सिग्मा तो लेकिन सेम है, क्यों, क्योंकि इस पर भी उतना ही चार्ज है, उतना ही चार्ज है लेकिन निगेटिव में, ठीक है। तो चार्ज का वैल्यू तो वही है, अब भाई एरिया भी इसका वही है, तो इसका भी वही चार्ज डेंसिटी है, लेकिन ऊपर वाले का पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, नीचे वाले का निगेटिव, लेकिन ऊपर वाले का सिग्मा और नीचे वाले का माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होगा, सेम होगा सिग्मा का वैल्यू। तो अगर इस जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो प्लस के कारण क्या इनवर्ड होता है या आउटवर्ड होता है, तो हमें पता है प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड। तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। माइनस के कारण, माइनस के कारण क्या होगा, इनवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या के कारण, माइनस के कारण, और उसका भी वैल्यू सिग्मा तो वही है, ठीक है। यहां पे माइनस नहीं लिखे, सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं हम यहां पर, ठीक है। तो वैल्यू सिर्फ देख रहे हैं, तो सिग्मा यहां पर लिखा गया वही सिग्मा है, अब बाई टू एप्स नॉट, तो कॉन्स्टेंट है बाई टू एप्स नॉट। अब बताइए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे, मतलब किसी भी आउटसाइड रीजन पे अगर हम देखेंगे, किसी भी आउटसाइड रीजन पे अगर हम देखेंगे, चाहे यहां पर देखें या कहीं पर भी देखें, ठीक है, तो क्या होगा, जितना ऊपर है सिग्मा बाई टू एप्स नॉट उतना ही नीचे है, तो अगर इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर होता है तो क्या करता है, कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे, कैंसिल आउट कर जाएगा वेक्टर, तो नेट फील्ड क्या आएगा, जीरो। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आउटसाइड रीजन में देखा जाए, कहीं पर इस रीजन में अगर हम देख रहे हैं, कहीं पर भी आउटसाइड देखेंगे, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड, कितना, सिग्मा बाई टू एप्स नॉट। माइनस के कारण इनवर्ड, कितना, सिग्मा बाई टू एप्स नॉट। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, नेट फील्ड जो हो गया वो क्या हो गया, जीरो। अच्छा उसी प्रकार यहां पर भी क्या होगा, माइनस के कारण इस जगह पे देख रहे हैं, तो माइनस के कारण क्या होगा, इनवर्ड, और फॉर्मूला सिग्मा बाई टू एप्स नॉट। अब प्लस के कारण क्या होगा, आउटवर्ड, प्लस के कारण, ई प्लस दिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। अब प्लस के कारण वो भी वही सिग्मा है, सिग्मा पे सिर्फ डिपेंड करता है, तो सिग्मा बाई टू एप्स नॉट, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर कैंसिल, तो नेट फील्ड यहां पर भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस जगह पर भी नेट फील्ड क्या होगा, जीरो। अच्छा बीच में कहीं पर अगर फील्ड देखेंगे तो क्या होगा, बीच में एक बार मिटा करके हम दिखा देते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है इन दोनों प्लेट्स के बीच में। ये समझना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब जानेंगे तो ही आगे कैलकुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। यहां पर अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, प्लस के कारण तो ये ना आउटवर्ड हो जाएगा, क्या इनवर्ड होगा, नहीं, प्लस के कारण क्या होगा, आउटवर्ड, और प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई टू एप्स नॉट। अच्छा फिर माइनस, माइनस के कारण क्या होगा, माइनस के कारण इनवर्ड, इनवर्ड, माइनस के कारण क्या हो गया, इनवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के कारण, और उसका भी तो फॉर्मूला वही होता है, सिग्मा वही है, तो सिग्मा बाई टू एप्स नॉट। नेट फील्ड क्या हो जाएगा, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, अगर हम नेट फील्ड देखेंगे तो यहां पर नेट फील्ड क्या होगा, नेट फील्ड सिग्मा बाई टू एप्स नॉट,
प्लस के कारण और माइनस के कारण फील्ड दोनों ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है, तो दोनों ऐड हो गए। ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता तो ना कैंसिल होता, सेम डायरेक्शन में है तो सीधे जुड़ जाता है वेक्टर। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई टू एप्स नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्स नॉट, क्या हो गया? टू एप्स नॉट एलसीएम, और ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, टू सिग्मा, टू से टू कैंसिल, तो क्या हो गया? सिग्मा बाई एप्स नॉट। यानी बीच में फील्ड आया कि नहीं आया? अब वो भी बीच में फील्ड क्या आया, अब इसको मिटा के लिख देते हैं। बीच में जो नेट फील्ड आया, नेट फील्ड लिखेंगे ना, नेट फील्ड कितना आया? सिग्मा बाई एप्स नॉट, दोनों ऐड हो गया। दोनों ऐड होकर के कितना आया? सिग्मा बाई एप्स नॉट आया। किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो वही होगा, यहां पर भी देखेंगे तो प्लस के कारण आउटवर्ड सिग्मा बाई टू एप्स नॉट, माइनस के कारण इनवर्ड सिग्मा बाई टू एप्स नॉट, वही बात हो गया ना। दोनों ऐड हो जाएगा और नेट कितना होगा? सिग्मा बाई टू एप्स नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्स नॉट, दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्स नॉट। तो क्या दोनों प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में फील्ड जीरो आ रहा है क्या? दोनों प्लेट के बीच में फील्ड जीरो आ रहा है? दोनों प्लेट के बीच में फील्ड जीरो आ रहा है? दोनों प्लेट के बीच में फील्ड जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा है। उसके बाहर यहां पर, हाँ यहां पे तो जीरो है कैंसिल होकर के। उसके बाहर यहां पे देखिए, यहां पर भी कैंसिल होकर के क्या है? जीरो है। बीच में नहीं, बीच में ऐड हो गया। बीच में क्या हो गया? ऐड हो गया। और कितना आया? सिग्मा बाई एप्स नॉट आया, और हर जगह वही आ रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं वो डायरेक्शन क्या आ रहा है? फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो हम दिखा सकते हैं कि बीच में फील्ड आएगा और कैसे आएगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। और हर जगह वैल्यू कितना होगा? कहीं पर भी देखेंगे तो सिग्मा बाई एप्स नॉट, यहां पर भी सिग्मा बाई एप्स नॉट, यहां पर भी सिग्मा बाई एप्स नॉट। यानी बीच में जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है? बीच में जो फील्ड है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? यानी अगर मेरे पास कैपेसिटर कैसा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट है। अगर हम उस प्लेट को ऐसे करके दिखाएं तो दो प्लेट है। कितना प्लेट है? दो प्लेट। ठीक है, एक पे प्लस, दूसरे पे माइनस। क्या बाहर फील्ड है? नहीं है। बाहर फील्ड जीरो, इधर भी फील्ड जीरो। दोनों के बीच में है, हाँ दोनों के बीच में फील्ड है। अब फील्ड हर जगह कैसे? फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। और दोनों प्लेट के बीच में फील्ड क्या? नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है। और उसका वैल्यू कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। क्लियर हो गया? वही लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटसाइड रीजन वन। ये आउटसाइड रीजन वन है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा बाई टू एप्स नॉट ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस सिग्मा बाई टू एप्स नॉट जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटसाइड रीजन टू। आउटसाइड रीजन टू में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वही बात है, सिग्मा बाई टू एप्स नॉट माइनस सिग्मा बाई टू एप्स नॉट। सिग्मा बाई टू एप्स नॉट माइनस सिग्मा बाई टू एप्स नॉट क्या हो गया? जीरो। और इन द इनर रीजन बिटवीन द प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट्स। हाँ, इनर रीजन में अगर देखा जाए तो दोनों चार्ज प्लेट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो उसमें हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर क्या लिखे हुए? ई। ये हो गया सिग्मा बाई टू एप्स नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्स नॉट बराबर, अभी जैसा कि देखे थे, दोनों ऐड हो जाता है, सिग्मा बाई टू एप्स नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्स नॉट। लेकिन कहां पर? आउटसाइड रीजन में नहीं, इस आउटसाइड रीजन में नहीं, कहां पर? दोनों प्लेट्स के बीच में। तो सिग्मा बाई टू एप्स नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्स नॉट वो क्या आ जाएगा? सिग्मा बाई एप्स नॉट आएगा, दोनों प्लेट्स के बीच में। और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। आउटसाइड रीजन में जीरो, आउटसाइड रीजन में जीरो, दोनों प्लेट्स के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाई एप्स नॉट। ठीक है, अब यहां पर ये देख रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर से किधर की ओर है? फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच अगर देखा जाए तो फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। दस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लोकलाइज बिटवीन द प्लेट्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बाहर तो नहीं है। बाहर बाहर क्या है? अब जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो जीरो आ रहा है तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मिटा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। इस जगह पे भी नेट फील्ड क्या है? कैंसिल हो गया। तो यहां पर भी नेट फील्ड क्या हो गया? जीरो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगा? दोनों प्लेट्स के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा? दोनों प्लेट्स के बीच में। कितना होगा?
सिग्मा बाई टू एप्स नॉट, नहीं वो दोनों दो बार ना हुआ था, सिग्मा बाई टू एप्स नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्स नॉट क्या आ गया था, सिग्मा बाई एप्स नॉट, ठीक है। तो अब यहां पर एक ये खास बात, यहां पर फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक चीज हम लोग पढ़े, अगर अभी इस वीडियो के स्टार्ट में भी ये बात बताए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसके कारण, क्योंकि एक तरफ प्लस है और एक तरफ क्या है माइनस, अब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, एक तरफ हाइयर पोटेंशियल और एक तरफ लोअर पोटेंशियल। पहला लेक्चर में बताई थी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि एक हाइयर पोटेंशियल पर एक लोअर पे, तो हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी इस लेक्चर के शुरुआत में भी ये चर्चा किए थे, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एकदम याद रखेंगे, दिमाग में हटा लेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है फॉर्मूला क्या होगा, v बराबर e और इनटू दोनों के बीच का दूरी देखना है कि जहां जहां के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, जहां जहां के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो दूरी कितना है d, तो v बराबर होता है e इनटू d। हाँ, लेकिन ये कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है किसी जगह पे, तो v बराबर e इनटू d। अब ये फिजिक्स में हमेशा याद रखेंगे कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म रहा तो v का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, e इनटू d, तो v बराबर e इनटू d। अच्छा, जब v बराबर e इनटू d तो e का वैल्यू तो अभी अभी पता है, e बराबर क्या है यहां पर, e बराबर सिग्मा बाई एप्स नॉट, तो e की जगह पे क्या लिख दिए, सिग्मा बाई एप्स नॉट, और d है तो d लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि बटा में जब एप्स नॉट है ही है तो एप्स नॉट यहां पर ये हो गया, एप्स नॉट इधर दिखाएं या फिर एप्स नॉट इधर दिखाएं, बात तो वही है, ठीक है, बटा में एप्स नॉट है, हो गया ना सिग्मा बाई एप्स नॉट, ठीक है। अब सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्चुअली क्या होता है, सिग्मा के बारे में चर्चा किए थे ना, सिग्मा बराबर चार्ज बाई एरिया, तो क्यू बाई ए, तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए, और सिग्मा की जगह पे लिखा गया, सिग्मा की जगह पे क्या लिखाया, क्यू बाई ए, और बाकी डी बाई एप्स नॉट है तो इधर डी बाई एप्स नॉट लिखा गया, क्लियर ये बात। एज वी नो क्यू बराबर सीबी, अब जैसा कि हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर सीबी, फॉर्मूला पहला लेक्चर में बताए थे, क्यू बराबर सीबी, बड़ा सिंपल फॉर्मूला, तो क्यू बराबर सीबी, तो द कैपेसिटेंस सी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि हमको बताना क्या है, कैपेसिटेंस बताना है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर क्यू और ये भी गुना में मल्टीप्लाई में, ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, भी आ गया भाग में, बराबर क्यू, अब बाई, अब भी का फॉर्मूला, अभी अभी भी का वैल्यू देखे, भी का वैल्यू अभी अभी ना देखे, पुट कर देते हैं, भी बराबर क्या देखे, क्यू डी बाई ए एप्स नॉट, तो वही चीज हम पुट कर दिए भी की जगह पे, क्यू डी बाई, अब क्यू डी बाई ए एप्स नॉट, या इसको एप्स नॉट ए लिखेंगे, बात तो वही है, एप्स नॉट ए, अब एक तरह से भाग दिया जा रहा है किसको, यहां पर हम भाग किसको दे रहे हैं, ये जो भाग दिए हैं वो किसको दिए, ये भाग हुआ है क्यू किससे डिवाइड हुआ है, क्यू किससे डिवाइड हुआ है, क्यू डी बाई एप्स नॉट ए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्स नॉट ए ऊपर, क्यू डी कहां नीचे, एप्स नॉट ए ऊपर और क्यू डी नीचे, क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसिल, वही चीज हुआ यहां पर, क्या हो गया एक्चुअली ऊपर, क्यू एप्स नॉट ए देख लिया, क्यू एप्स नॉट ए बाई, क्योंकि एप्स नॉट ए कहां गया, ऊपर ना गया, एप्स नॉट ए ऊपर गया, अब क्यू इधर पहले से, अब बाई क्या है क्यू डी, तो क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया एप्स नॉट ए अब बाई क्या डी, एप्स नॉट ए बाई डी, सी का वैल्यू आ गया, यही तो निकाल रहे थे, सी का वैल्यू आया ना, कैपेसिटेंस निकल गया किसका, कैलकुलेशन किसका हो रहा था, कैपेसिटेंस का, ठीक है, अब वो भी किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सी क्या आया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सी क्या आया, एप्स नॉट ए बाई डी। अच्छा, यहां से एक बात क्लियर हो गया, एकदम सिंपल, पहला लेक्चर में ये बात बताए थे ना, कैपेसिटेंस क्या पे डिपेंड करता है, हम बोले थे कैपेसिटेंस चार्ज वोल्टेज इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, कैपेसिटेंस सिर्फ डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, अब यहां से ये साबित हो गया ना, उसको मतलब है दोनों प्लेट के क्या से, एरिया से, प्लेट के एरिया से, एरिया कम रहेगा सी का वैल्यू कम आएगा, एरिया ज्यादा होगा, यानी ज्योमेट्री से डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री पे डिपेंड किया कि नहीं किया, प्लेट के क्या पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। अच्छा, दोनों प्लेट के बीच के क्या पे डिपेंड कर रहा है, दूरी पे, प्लेट अगर कम दूरी पे रखा हुआ है तो डी कम रहेगा तो सी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और दो प्लेट अगर है वो ज्यादा दूरी पे रखा हुआ है, वो ज्यादा दूरी पे रखा हुआ रहेगा, डी ज्यादा रहेगा तो सी का वैल्यू क्या आएगा, कम,
तो ज्योमेट्रिकल सेपरेशन मतलब दोनों प्लेट्स के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है। पहला लेक्चर में ये सब लिखवाए भी थे कि शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, सेपरेशन पे डिपेंड करता है, अच्छा मीडियम पे डिपेंड करता है। दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम क्या है, वैक्यूम, एयर है या वैक्यूम है, तो उसका परमिटिविटी यहां पर लिखाया है एप्सिलॉन। अगर वही दूसरा मीडियम रहेगा तो पता ही हर मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे डायलेक्ट्रिक में। हम लोग पढ़ेंगे कि जब बीच में मीडियम कुछ और डाल देंगे, तो कैसे कैपेसिटेंस के वैल्यू में फर्क पड़ जाता है, वो हम लोगों को आगे के लेक्चर्स में, इसका एक अलग सेगमेंट ही है डायलेक्ट्रिक, ठीक है, कैपेसिटर विथ डायलेक्ट्रिक पढ़ेंगे वो आगे, ठीक है। तो यहां पर अभी ये फिलहाल ध्यान रखेंगे कि दोनों प्लेट्स के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है, इसलिए यहां पर एप्स नॉट है। तो हम ये पहले ही लेक्चर में लिखाए थे कि शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, सेपरेशन पे डिपेंड करता है, और दोनों प्लेट्स के बीच के क्या पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। और ये साबित भी हो गया, जब सी का फॉर्मूला आया तो ये साबित हो गया, सी बराबर एप्स नॉट ए बाई डी, दस सी डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम। तो यहां से क्लियर हो गया कि सी सिर्फ और सिर्फ क्या पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। अब एक कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, कैपेसिटेंस का वैल्यू लगभग क्या हो सकता है। जैसे अगर प्लेट एरिया, एक एग्जांपल है कुछ कैलकुलेशन के लिए, कि अगर प्लेट एरिया मेरे पास कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, प्लेट जो है उस प्लेट का एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन तो स्मॉल होता है प्रैक्टिकली, तो सेपरेशन कितना है, 1 mm, 1 मिलीमीटर का मतलब समझते हैं 10^-3, मिली का मतलब ही होता है 10^-3 और क्या मीटर। तो सी का वैल्यू क्या होगा, सी बराबर एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 × 10^-12, एरिया कितना है 1, अब बाई सेपरेशन कितना है 10^-3, तो डी का वैल्यू रखा गया 10^-3। अच्छा, ये 10^-3 है, ऊपर जाएगा ये वाला चीज, तो कितना हो जाएगा 10^+3, तो कितना हो जाएगा 8.85 × बेस सेम है, पावर ऐड होगा, -12 + 3, बताइए कितना होगा, -12 + 3 क्या हो जाएगा, 10^-9। और कैपेसिटेंस की यूनिट के बारे में चर्चा किए थे, बार बार हम ये बात बोल रहे हैं, जो पहला लेक्चर नहीं देखे वो पहला लेक्चर देख लें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, वहां पर सब बात बताई थी कि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है क्या, फराड। तो यहां पर क्या हो गया, फराड। तो सी कितना आया, सी जो आया वो 8.85 और 10^-9 क्या, कहने का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में 10^-9 है, इसका मतलब वो क्या हो गया, नैनो, उसको नैनो बोलते हैं, तो नैनो फराड। ये चीज क्या हो गया, नैनो और क्या, फराड, क्लियर है। मतलब ये एक आइडिया हम दे रहे थे कि प्रैक्टिकली जो कैपेसिटेंस वगैरह होता है, अब क्या है, प्रैक्टिकली डेटा लिए थे 1 मीटर स्क्वायर, एरिया, सेपरेशन 1 mm, तो प्रैक्टिकल डेटा लेकर के चले, तो कैपेसिटेंस क्या में आया, क्या 200 फराड आया, 500 फराड आया, नहीं, 8.85 नैनो फराड, मतलब नैनो फराड, माइक्रो फराड, 10^-6 - 9 इस रेंज में होता है। अगर कोई कहेगा नहीं सर एक फराड के बारे में सोचिए, तो एक फराड कब आएगा, एक फराड, चलो देख लेते हैं। फॉर कैपेसिटेंस अगर हमको चाहिए 1 फराड, ठीक है, कैपेसिटेंस हमें कितना चाहिए, कैपेसिटेंस हमें चाहिए कितना, 1 फराड, एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, अब प्लेट्स के बीच का सेपरेशन अगर कितना है, 1 सेंटीमीटर है, यानी 10^-2 मीटर, तो ऐसे में एरिया रिक्वायर्ड, कितना एरिया हमको लेना होगा प्लेट का, मतलब कितना बड़ा प्लेट लेना पड़ेगा। अगर कैपेसिटेंस हम कितना चाहते हैं, 1 फराड, सेपरेशन कितना है, अगर दो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो हमको देखना होगा, देखते हैं कितना बड़ा हमको प्लेट चाहिए, मतलब एरिया क्या चाहिए वो हम देखते हैं। तो एरिया क्या चाहिए वो देखना है ना, सी बराबर क्या होता है, एप्स नॉट ए बाई डी, तो ए हमको देखना है, ए निकालना है, ए बराबर सी डी भाग में, टी उधर गुना में जाएगा और एप्स नॉट इधर क्या में आ जाएगा, भाग में। जब ये सब पुट करेंगे, सी का वैल्यू कितना, यहां पर सी हम पहले से लेके चल रहे हैं ना, सी कितना चाहिए, सी कितना चाहिए, ए बराबर सी कितना है, 1, सेपरेशन कितना है, 10^-2, और एप्स नॉट का वैल्यू रख देंगे 8.85 × 10^-12। अच्छा, ये 10^-12 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10^+12, जब इसको सॉल्व करेंगे तो राउंड फिगर में ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक है। यहां पर वैसे भी ये कितना हो चुका है, 10^-2, 10^12 कितना हो जाएगा, 10^10, और 10^10 है तो इसको लिख सकते हैं, 10^10 है तो इसको लिख सकते हैं 10 × 10^9, बात वही है ना, बेस सेम है, पावर ऐड होगा 9 × 10। अब ये 10 / 8.85 अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आता है, ठीक है,
एग्जैक्टली देख लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 8.85, ठीक है, तो ये लगभग 1.12 आ रहा है, 1.12 एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 1.12 एग्जैक्ट है, तो इसलिए एरिया जो है वो लगभग में एक हम लेके चल रहे हैं कितना चाहिए, 10^9 m². अब 10^9 m² एरिया चाहिए किसका, प्लेट का, समझ सकते हैं, ये तब इतना आएगा ना जब लगभग एरिया, जब अगर हम स्क्वायर प्लेट के बारे में सोचें तो एक ऐसा स्क्वायर प्लेट लेना पड़ेगा जो 30 किलोमीटर लंबा है और 30 किलोमीटर चौड़ा, तब ना, एक ऐसा स्क्वायर प्लेट लेना पड़ेगा जिसका लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई भी 30 किलोमीटर, तब ना एरिया क्या आएगा उस प्लेट का, तब एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, तब ये चीज होगा 30 × 30 कितना 900, अगुना किलोमीटर है यानी 1000 मीटर, फिर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर, तो कितना आ गया, अब ये लगभग नहीं आया इस तरह से 3 × 3 = 6, ये लगभग 1000, एक राउंड फिगर में लगभग लेकर के चले तब जाकर के 10^9 m², ठीक है, अगर ये 1000 होता तो 10^9, लेकिन ये एक तरह से 900, ये थोड़ा कम ही है, यानी प्लेट का एरिया तो और बड़ा ही होना चाहिए तब ना 1000 आएगा, यानी 30 किलोमीटर से और ज्यादा ही लेना पड़ेगा, यानी ऐसा प्लेट जो 30 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा संभव है, 30 किलोमीटर समझ रहे हैं, 30 किलोमीटर लंबा 30 किलोमीटर चौड़ा प्लेट और वो ऐसा ही प्लेट फिर उसी तरह का प्लेट फिर नीचे, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये काफी बड़ा हो जाता है प्लेट, ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मजाक मजाक में कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो एग्जांपल भी इस तरह से ले रहे हैं, 100 फराड, 200 फराड, 50 फराड, अगर कोई ऐसा बात कर रहा है यानी उसको कैपेसिटर की जानकारी नहीं है, 1 फराड अपने आप में बहुत ज्यादा है, ठीक है, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में, इसीलिए पूरे चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो जितना भी क्वेश्चन मिलेगा हर जगह कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटेंस हमको क्या में मिलेगा, क्या ऐसा डेटा मिलेगा, 100 फराड, 1 फराड में तो हालत खराब हो रहा है, 1 फराड कैपेसिटेंस के लिए 30 किलोमीटर लंबा चौड़ा प्लेट चाहिए, तो 500 फराड, 50 फराड, 25 फराड, नहीं, प्रैक्टिकली जो कैपेसिटेंस होता है वो सब क्या में होता है, कैपेसिटेंस सब रहेगा माइक्रोफराड में, माइक्रोफराड में रहेगा या फिर नैनोफराड में रहेगा, इसलिए जितना भी फिजिक्स में कैपेसिटर का न्यूमेरिकल बनाएंगे उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देख लीजिएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल में माइक्रोफराड नैनोफराड इस रेंज में रहेगा, ठीक है, ये नहीं कि 10, 15, 20 फराड, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी ये बात हम चर्चा कर दिए कि 1 फराड ही अपने आप में बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब हमको प्लेट लेना पड़ेगा 30 किलोमीटर से भी ज्यादा, 30 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा और 30 किलोमीटर से भी थोड़ा ज्यादा क्या चौड़ा, तब जाकर के हमको कैपेसिटेंस उसका मिलेगा कितना, 1 फराड। वैसे भी मेरे पास जो कैपेसिटर है, अब जैसे यही एक कैपेसिटर है तो इसमें इसका वैल्यू, उसके वैल्यू को पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है ना, आपके पास भी अगर कोई कैपेसिटर है, ठीक है, फैन वगैरह है तो फैन में कंडेंसर लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसमें कैपेसिटेंस के वैल्यू को चेक करेंगे, ये सब माइक्रोफराड में, अब जैसे ये इसमें दिया हुआ है 2.50, मेरे पास जो कैपेसिटर है इसमें दिया हुआ है 2.50 μF, ठीक है, तो ये सब माइक्रोफराड में, इसलिए हम यहां पर चर्चा कर दिए कि 1 फराड अपने आप में बहुत बड़ा है जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, कैपेसिटेंस ज्यादातर माइक्रोफराड नैनोफराड इस रेंज में रहता है, तो मेरे ख्याल से ये पूरी तरह क्लियर हो गया होगा जो कंप्लीट वीडियो को देखे होंगे, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्लियर हो गया, C = εA/d, फॉर्मूला याद रखेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C = εA/d, C = εA/d, ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर।